हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी 8 बज रहे हैं, हम लोग 7 बजे उठ गए थे, पर हमें अभी आलस बहुत ज़्यादा आ रहा था तो अभी हम बेड से नहीं उठे। और अभी हम लोगों को नहाने के लिए गर्म पानी भी नहीं मिला है, तो कोमल अभी गर्म पानी ढूंढती फिर रही है। और अभी धूप भी अच्छी आ चुकी है, अभी नहा धो के हम धूप में पहुंचते हैं। हम लोग नहा धो के रेडी हो गए थे, हम लोगों ने हवन भी अटेंड कर लिया है और अभी हम लोग नाश्ता कर रहे हैं और व्यू एंजॉय कर रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, देखो 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 ना। पता है कि हम लोग अभी वहां पे नदी के पास नीचे जाएंगे, देखते हैं अभी रास्ता मिलेगा तो। तो अभी लोकेशन मैं आपको रिवील कर देती हूँ। अभी हम लोग हैं सोनमर्ग में। यहाँ पे हमारा जो रीजन था आने का, हमारे एक रिलेटिव ने यहाँ पे होटल लिया है तो उसका हवन था, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने अटेंड किया है। उसके बाद हम लोग कल जा रहे हैं केदारनाथ। यहाँ से केदारनाथ की जो यात्रा होती है वो है, तो अभी हम लोग कल सुबह यहाँ से ट्रैक करके केदारनाथ जा रहे हैं। एक और बात, मैंने इसको फर्स्ट जो व्लॉग डाला था उसमें डाला था प्रिपरेशन फॉर ड्रीम ट्रिप। ड्रीम ट्रिप इसलिए है क्योंकि मेरा तो एक ड्रीम, बहुत बड़ा ड्रीम था कि केदारनाथ आने का, और ये एकदम से ऐसा सडन प्लान बना, मतलब मेरा तो बहुत ही मन खुश हो गया। हम लोग यहाँ पे आए हैं और इतना प्यारा व्यू है, इतना अच्छा मौसम है, हम लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं और बहुत ही कंफर्टेबल ट्रिप थी। ऐसे नहीं कि हम लोग परेशान हुए और कुछ हुए, इसलिए हम लोग स्टे करते हुए आए थे, इसलिए हम लोगों ने फर्स्ट डे हरिद्वार में लिया था ताकि हमारे साथ बेबी है वो भी परेशान ना हो और हम लोग इजीली आराम से पहुंच जाए। हम लोग लंच करने के बाद सो गए थे मैं और देबू, हमने बहुत अच्छे से रिलैक्स किया। उसके बाद हम लोग निकल गए थे त्रियोगी नारायण मंदिर के लिए, जो कि बहुत ही ऊपर है। हमारी लोकेशन से ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर्स आगे है और मैं आपको व्यू दिखाती हूँ, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और शायद ऊपर बारिश हो रही है और हो सकता है थोड़ी देर में यहाँ पर भी आ जाए। यहाँ से हिमालय भी दिख रहा है। शंकर पार्वती की शादी यहाँ हुई थी तो एक साथ चढ़ाना होगा जोड़। हाँ। ठीक, कितने पैसे? हाथ पैर कहाँ धोने? ये यहीं रखनी है? मंदिर का तो जान दे, पहले मंदिर में तो पूजा करेंगे ना, तब दर्शन के लिए जाएंगे अंदर।
पूजा हो रही है, पूजा हमने रखी है। हाँ, जो ये थाली लाए उसको पूजा करनी है। आगे से भर के लानी है। हाँ, उधर से भर के लानी है। इसका भी थोड़ा अरे शिवलिंग है नीचे है, शिवलिंग नीचे दोनों कोने चीटे लाने दोनों कोने वहां से पानी भरना है। लाओ ये लाओ आचमन लो, आचमन 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 ऐसे पीना है, पीना है तीन बार। हाथ धो लो यहाँ से। धर्मराज की भेंट क्या डाल रहा थाली में? अभी क्या करना है? भरना है पानी वहाँ से। तीन बार पीना था क्या करना था? तीन बार मैं मुंह से कहती हूँ, तीन बार पीना था। तीन बार पीना था? हाँ, एक बार पी गया। सबके इकट्ठे कर दो, सबके हो गए एक साथ। ठीक है, चलो मंदिर में किधर से जाना है? मंदिर में पहले थाली की पूजा करनी है, उसके बाद ये दर्शन। ओके, आपने किसको दी? वो तो नहीं अच्छी है। आपने किसको दी? ना, ये तो कौन है मेरी? ये क्या है? ये तीन में हवन होता है, इसका तीन का अग्नि है, इसमें हवन होता है। वो जो तो मतलब इसका क्या कर मतलब आहुति डालते हैं ना, हवन की आहुति दी जाती है इसकी। अच्छा, अभी अभी आपने पहले पूजा करनी है, उसके बाद ही आपको ये ले जाके दो चार दिन। हेलो, बैठो, जोड़े में बैठना है।
अन्यत्र किसी गांव से है और ये भ्रमण पर निकली है। जैसे हर मंदिर के जो देवता है ना, कभी कभी वो अपने ग्रह कुल के अनुसार भ्रमण पर निकलते हैं। तो अब ये केदार बद्री इत्यादि जिस भी मंदिर पे भ्रमण पे निकले, भ्रमण के लिए निकले हैं। यहाँ से अब ये इस मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, दर्शन यहाँ के ग्रह कुल के अनुसार यहाँ के दर्शन करके फिर ये किसी और मंदिर में जैसे बद्रीनाथ जी या केदारनाथ जी वहां सबके दर्शन करते हैं, वापस अपने मंदिर में जाकर स्थापित हो जाए। ये चंडी देवी जी किसी पूरी यात्रा पैदल करते हैं। हाँ 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 हाँ, उनकी वो ऐसे ही होगी पूरी यात्रा, ऐसे ही नाश्ते खाते ऐसे ही निकल जाएंगे, ऐसे ही पहुंचे। अभी जो हम लोगों ने मंदिर देखा वो था त्रियोगी नारायण मंदिर, और उसकी खास बात ये है कि यहाँ पर शिव पार्वती जी की शादी हुई थी। तो अभी हम लोगों ने सारी चीज़ें देखी कि कहाँ पर उनके फेरे हुए थे और कहाँ पर कन्यादान हुआ था, और हम लोगों ने मंदिर में दर्शन किए। वहाँ पे फ़ोन ले जाना, मतलब कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, पर मैंने, और सबसे अद्भुत चीज़ जो थी देखने वाली वहाँ पर, मतलब जो बहुत रेयरली देखने को मिलती है, 4-5 साल में ये डोले निकल, मतलब साल में ये लोग निकलते हैं चंडी माता को यात्रा के लिए। केदारनाथ जी जाएंगी, बद्रीनाथ जी जाएंगी। तो हम लोग जब इस मंदिर में आए हुए थे तो हम लोगों ने वो भी देखा, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी पूरी झांकी। वो जिस तरीके से डांस कर रहे थे और सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। अभी हम लोग वापस अपने होटल आ चुके हैं, अभी शाम के 7 बज रहे हैं और हम लोग थोड़ी सी वॉक के लिए निकले हैं। यहाँ पे बहुत ठंडी हवा चल रही है इसलिए मैंने ये बांधा हुआ है, और अभी हम लोग नियर बाय शॉप से मैगी लेके आए हैं। हमारी मैगी बन रही है, वॉक करके आके वापस हम लोग मैगी खाएंगे। देवू कहाँ जा रहे हो तुम? मजा आ आपको है? कितना मजा आ रहा है आपको? अब ऐसे हाय, सनी ने मुझे छुपा लिया, आप साइड में, आप मैं साइड में। हाय एवरीवन, हेलो डेबू, हेलो। ये हमारा डेबू है, ये हमारा बोलिए। ये घर का सारा फीमेल स्टाफ रोटियां बनाते हुए, ज्यादा मैंने तुम्हारी चाची ने करी आटा भिगोने में, इनकी वजह से हम सबको रोटियां मिल रही है। पूरी खानी पड़ती है। अभी रात के 11:30 हो रहे हैं और हम लोगों ने कल की ट्रैकिंग की पैकिंग कर ली है, जो भी हमें सामान चाहिएगा। जब तक बेबू सो गया था, पर हमें जैसे ही सोने की तैयारी की और अभी लेटे तो ये उठ गया। हेलो बेबू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे बेबू, गुड नाइट। तो कल सुबह हम लोग केदारनाथ की ट्रैकिंग शुरू कर रहे हैं, तो हम आपको मिलते हैं सुबह। गुड नाइट, बाय बाय।